हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एडमंड स्पेंसर की अमोरिटी सोनेट 79 का समरी लेकर आया हूं। और यह उनका अमोरिटी 79 समरी मैन कॉल यू फेयर से भी जाना जाता है। स्पेंसर एक्सप्रेसेस हिज आइडिया ऑफ ट्रू एवरलास्टिंग ब्यूटी। यहां पे वो वास्तविक और सदैव रहने वाले सुंदरता के बारे में अपना विचार प्रकट करते हैं। ही कंसिडर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी फार मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल ब्यूटी। वह समझते हैं कि जो मन की सुंदरता है वो कहीं बढ़कर होता है शारीरिक सुंदरता की तुलना में। अ ब्यूटीफुल पर्सन या ऑब्जेक्ट विल लूज फिजिकल चार्म। कि कोई भी सुंदर व्यक्ति या वस्तु जो है अपना शारीरिक आकर्षक वो खो देगा। बट ट्रू ब्यूटी ऑफ स्पिरिट, लेकिन जो मन की सुंदरता है वो रिमेन्स एटर्नल, वो हमेशा रहने वाला है, वो अविनाशी है। ब्यूटी इज फ्लीटिंग। सुंदरता फ्लिटिंग है, वो नाशवान है, क्षणिक है। ट्रू ब्यूटी इज डैट विच कम्स फ्रॉम विद इन। वास्तविक सुंदरता वह है जो अंदर से आता है, जैसे कि वीट एंड वर्चुअसनेस, जैसे कि बुद्धि, सदाचार, अच्छा गुण। द स्पीकर स्टेट्स डैट आउटर ब्यूटी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इनर ब्यूटी। यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि जो बाहरी सुंदरता है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि अंदर की सुंदरता। द बिलव्ड इज नॉट कंसिडर जस्ट सिंपली फ्लैश। यहाँ पे वो अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमिका को सिर्फ एक मांस का हिस्सा नहीं बता रहे हैं, बल्कि द पॉइट कंसिडर्स द स्पिरिचुअल बींग इन हर। बल्कि वह समझते हैं कि उसके अंदर जो है अध्यात्म का वास है। इट इज़ द स्पिरिचुअल ब्यूटी डैट ही वुड सीक टू वर्शिप। यह उसका मन की सुंदरता ही है जिसका वो गुणगान करना चाहेंगे, क्योंकि डूइंग सो वुड बी वर्शिपिंग द डिवाइन। क्योंकि ऐसा करके वो डिवाइन को, वो दैव्य को, ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। इनर ब्यूटी हैज फार मोर सिग्निफिकेंस देन आउटरवर्ड अपीयरेंस। अंदर की जो सुंदरता है उसका कहीं बढ़कर जो है महत्व है जो बाहरी जो रंग रूप है, जो भेष है, उसके तुलना में। एंड इच अ गिफ्ट फ्रॉम अ परफेक्ट क्रिएटर। और यही जो है हमें अपने क्रिएटर से, अपने निर्माता से एक बड़ा उपहार मिला है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।